हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। कभी आपने सोचा है जब आप बहुत ही फोकस होकर अपना वेट लॉस जर्नी चालू करते हो बट बीच बीच में आपका जो फोकस है वो डगमगा जाता है, आपको ऐसी फीलिंग आती है चलो जी चलते फिरते दो बिस्किट खा लेते हैं, मुट्ठी भर मखाना खा लेते हैं, मुट्ठी भर पीनट्स खा लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वो चीज़ चला जाएगा हमारी बॉडी में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि जब आपकी वेट लॉस जर्नी चालू हुई थी तब आपका जो डिटर्मिनेशन था, तब आपका जो फोकस था वो, और जो आज बिंज ईटिंग और मंचिंग करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी का सत्यानाश कर रहे हो, वो उन दोनों फोकस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को बैलेंस करके चल रहे कि नहीं यार, हमें वेट लॉस करना है, हमें इतना खाना है, हमें इतना पानी पीना है और हमें इतने पे सर्वाइव करना है और ये जर्नी को हमें फटाफट ख़त्म करना है। बट ऐसा बीच में क्या आ जाता है जब आपको फीलिंग आती है कि नहीं जी मुझे तो बहुत सारी चीज़ें खानी है, चलो वो कर लेते, ये कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि आप चेक करो आपका जो रूटीन है उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है। आप जितना बॉडी को ओवरलोड करोगे, ओवरवर्क कराओगे, उतनी बॉडी एनर्जी की डिमांड करती है। और फिर आप लो कैलोरी डाइट पे भी जाओगे तो बॉडी कहती है कि यार ऐसा है, मेरे को सज़ा मत दो, मेरे को पनिशमेंट मत दो, या तो आप मुझे एकदम हाई कैलोरी डाइट दो और उसके बाद आप मेरे से जितना मर्जी काम कराओ। वर्कलोड ओवर कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस में आ रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, लड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और उसके बाद लो कैलोरी डाइट कर रहे हो, सो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। सो ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे? ऐसी सिचुएशन में हमें एक इस टाइप का फूड अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है जो कि हाई इन फाइबर हो, स्लो डाइजेस्ट हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको भूख ना लगने दे बहुत लंबे समय तक, एंड आपको फुल करके रखे, एंड ईजी कुकिंग हो ताकि अगर आपको भूख लग भी रही है तो मुट्ठी भर पीनट्स की जगह आप वो रेसिपी कुक करो उसकी और खा जाओ। सो ऐसी चीज़ें क्या हो सकती है? ऐसी चीज़ है ओट्स। रिसेंटली मैं बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ एंड उसके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड आई एम ऑन माई वेट लॉस जर्नी, और मुझे जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कर रहा है और मुझे जो फोकस कर रही हूँ मैं चीज़ों पे विद द हेल्प ऑफ माई ओट्स रेसिपीज़ ओनली। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ टॉप 4 ओट्स की रेसिपीज़ जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना एंड उसको खाने के बाद बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो भी हमारा सॉल्व हो रहा है, एंड ओट्स जो है वो टेस्टलेस है बट उसको आप किसी भी टेस्ट में अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। आप उसको मीठे बना सकते हो, आप उसको नमकीन बना सकते हो, आप उसको दूध के साथ बना सकते हो, दही के साथ बना सकते हो, एंड कोई भी इसको बना सकता है, बहुत ही ईजी है। ओट्स के चीले भी बन जाते हैं, रोटी भी बन जाती है, खिचड़ी भी बन जाती है, स्मूदीज़ भी बन जाती हैं, एंड सबसे बड़ी बात है ओट्स जो है वो हाई इन फाइबर है। सो आपको जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ रह रहे हैं, जिनको ब्लोटिंग हो रहा है रोटी खाने से, चीले खाने से, जिनको दालों से प्रॉब्लम आ रही है, जिनको थोड़े टाइम के लिए रोटियों से ब्रेक चाहिए, जिनको थोड़े टाइम के लिए अपना जो एक कहते हैं ना स्टबन वेट है या फिर एक प्लैट्यू आ चुका है आपके वेट लॉस जर्नी में, उसको ब्रेक करना है, तब आप डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ओट्स की डाइट पर स्विच कीजिए। ओट्स की डाइट बहुत ही सिंपल है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी माय टॉप 4 ओट्स की ब्रेकफास्ट रेसिपीज, उसके बाद बात करेंगे हम लंच की। लंच में आप मेरे चैनल की कोई भी सैलड पिक कीजिए, डिनर में आप सूप्स और स्मूदीज लीजिए, चैनल पे बतेरी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनमें से कुछ भी पिक कीजिए एंड अपना जो वेट लॉस का प्लैट्यू है उसको हटाइए, या फिर जो भी डाइट आप पिक कर रखा है आप उसको एज इट इज़ फॉलो कीजिए, बट ब्रेकफास्ट की जो रेसिपीज़ है उसमें आप ओट्स की रेसिपीज़ को स्विच कीजिए एंड उसके बाद देखिएगा डिफरेंस, वन डे के अंदर ही आपको बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा। सो ओट्स की कौन सी रेसिपीज़ हैं और कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में, ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। फर्स्ट हम बनाएंगे ओवरनाइट ओट्स। ना ओवरनाइट ओट्स हम बनाएंगे, फर्स्ट हम बनाएंगे कर्ड से, सेकेंड हम बनाएंगे मिल्क से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक जार लेंगे, उसके अंदर हम 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून एंड 4 स्पून अलग अलग ओट्स डालेंगे। नेक्स्ट एक जार में हम डालेंगे मिल्क। यहाँ पे मैं आलमंड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट दूसरे जार में मैं डालूँगी कर्ड। यहाँ पे मैं 2 स्पून घर का जमा हुआ दही ऐड कर रही हूँ। अब कर्ड वाले में हम डालेंगे आधा गिलास जितना पानी, क्योंकि जो मेरा कर्ड है वो बहुत ज़्यादा थिक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट अच्छे से हम इसको भी मिक्स करेंगे और अब इन दोनों को हम ओवरनाइट फ्रिज में लगा देंगे बंद करके। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे ओट्स जो हैं बिल्कुल अच्छे से मिल्क में सोक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे सीजनल फ्रूट। यहाँ पे मेरे पास है एप्पल,
नेक्स्ट थोड़ा सा मैं डालूंगी अनार, नेक्स्ट थोड़ा सा मैं डालूंगी मेरा पपाया, जो भी फ्रूट्स आपके पास उस समय हैं आपके पास वो फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे एंड इट्स गुड टू गो। स्वीटनर के लिए थोड़ा सा हनी अगर आपको चाहिए, बट फ्रूट्स में अपना ही हनी है, इफ़ यू वांट थोड़ा सा हनी आप इसमें डालें एंड दिस यम्मी ब्रेकफास्ट इज रेडी। जिस दिन आपको डिटॉक्स करना है आप ये ब्रेकफास्ट अपनी डाइट में ऐड करो। नेक्स्ट ये वो ओट्स हैं जिसको हमने कर्ड में सोक करा था, यानी काफ़ी थिक हो गए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें लिक्विड थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे, हम बीटरूट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरा टमाटर, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे प्याज, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा खीरा, इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अगर आपको चाहिए तो आप डालो, हम तो बिना नमक के ले लेते हैं, क्यों संजना, हम तो बिना नमक के भी चला लेते हैं, और भुना हुआ जीरा पाउडर इफ़ यू वांट टू। ये रहा हमारा ठंडा ठंडा ब्रेकफास्ट ओट्स का रेडी। ओके सो हम नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ओट्स का परांठा। ये रहे मेरे पास ओट्स, इसको हम सबसे पहले ब्लेंड करके पाउडर बनाएंगे। सो ये रहे ब्लेंड किए हुए ओट्स, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है येलो मूंगे की दाल, इसको मैंने सोक कर रखा है यहाँ पर एंड अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। अब हम इस दाल को ग्राइंड करेंगे विदाउट वाटर। ओके सो ये रहे हमारे ओट्स ब्लेंड किए हुए, ब्लेंड की हुई दाल। फर्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, नेक्स्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट कस्तूरी मेथी, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, नेक्स्ट सूखा धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम बनाएंगे डो। थोड़ा सा डाला गरम पानी, हियर वी गो, इट्स रेडी। नेक्स्ट इस आटे पे हम लगाएंगे प्याज, ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, नेक्स्ट हाथ पे लेंगे हम थोड़ा सा पानी, प्याज को थोड़ा थोड़ा चिपकाएंगे, नेक्स्ट इसको हम फ्लिप करेंगे, दिस इज रेडी। इसको हम किसी भी ड्राई सब्जी के साथ लेंगे विद अ स्पून ऑफ घी। हियर वी गो, रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं मिलेट्स एंड ओट्स की खिचड़ी। यहाँ पे मेरे पास मिलेट्स हैं, आप कोई भी मिलेट्स लोकली जो आपको मिल रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मिलेट्स मैं डेली लेती हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें तो। यहाँ पे 2 स्पून्स मैंने मिलेट्स लिए हैं, 2 स्पून्स जितने मैंने ओट्स लिए हैं। ओके इसमें थोड़ी सी मेरी येलो मूंगे की दाल आ गई है, वो मिक्स थी ऑलरेडी मिलेट्स में या ओट्स में, मुझे ध्यान नहीं है, बट यस थोड़े से दाने आए हैं। और ये रहे 1 पर्सन के लिए 2 चम्मच ओट्स, 2 चम्मच मिलेट्स। और अब हम बनाएंगे इसकी खिचड़ी। सबसे पहले इसको हम वॉश करेंगे इस मिक्सचर को अच्छे से। ये रहे आफ्टर वॉश मेरे पास प्रेशर कुकर, इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। नेक्स्ट सबसे पहले इसमें डाल दी मैं जीरा, सबसे पहले हमारे प्याज, फिर हम डालेंगे हमारे टमाटर, इसमें हम डालेंगे पानी, दो कटोरी जितना वाटर। ये रहे हमारे वॉश किए हुए ओट्स एंड मिलेट्स हमने डाले इसमें।
नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, सॉल्ट, इन सबको हमने मिक्स करा एंड अब हम इसे विसल कराएंगे। ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं सो हमें मैक्स इसको 3 विसल लगाने, एक तेज आंच पे, दो सर आंच पे। वेलकम बैक। सो जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा आपकी मंचिंग चल रही है, स्विच कर जाइएगा ओट्स पे, तुरंत स्विच कर जाइएगा एंड उसके बाद चेंजेस देखना, डिफरेंस देखना, ह्यूज चेंजेस देखेंगे विद इन अ डे, वन डे के अंदर। ओट्स इतना मैजिकल वर्क करता है बॉडी के ऊपर, इतना अच्छा काम करता है। मैं एक बारी, अच्छे से मुझे ध्यान है, मुझे बाहर जाना था एंड मैंने सुबह ओट्स की खिचड़ी खाई थी। मुझे दोपहर के 4 बजे तक कोई क्रेविंग नहीं थी, बाहर थी जबकि मैं, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। मैंने पपीता और घर आके 4 से 5 अंडे बॉयल करके खाए थे, उस पर सर्वाइव किया था एंड ट्रस्ट मी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। सो ये जो वर्क करता है ओट्स, बहुत वंडर्स वर्क करता है किसी भी वेट लॉस जर्नी में। सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।